दोस्तों, हमारे देश में दो चीजें जो लोगों को पसंद है वो है क्रिकेट और बॉलीवुड। और इन्हीं दो सेगमेंट्स को टारगेट करते हुए व्यू ने लॉन्च कर दिया व्यू सिनेमा टीवी, जो कि आपको सिनेमा एक्सपीरियंस देने वाले हैं आपके घर में। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है निर्मल, आप देख रहे हैं माई स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। अब बात करते हैं टेलीविजन की, व्यू सिनेमा टीवी, जैसा कि नाम रखा गया है सिनेमा एक्सपीरियंस। आपको सिनेमा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 4K रेजोल्यूशन की टीवी देखने को वाली है और पिक्चर क्वालिटी में तो कोई डाउट नहीं है। व्यू की पिक्चर क्वालिटी हमेशा से कमाल रही है, लेकिन जो थोड़ा बहुत डाउट रहा है वो साउंड क्वालिटी में। लेकिन इस बार यहां पर आपको साउंड बार देखने को मिल जाते हैं, इनबिल्ट साउंड बार्स, जो कि इसकी ऑडियो क्वालिटी को काफी ज्यादा एनहांस कर देते हैं। यहां पर आपको डॉल्बी साउंड का इस्तेमाल देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो काफी ज्यादा लाउड है। आपको कंप्लीट सिनेमा एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है यहां पर, और साथ ही इन टेलीविजन को कुछ खास बना देते हैं। और जी हाँ, जैसे कि मैंने टेलीविजन की बात किया तो यहां पर तीन मॉडल्स देखने मिलते हैं। 43 इंचेस जिसका प्राइस रखा गया है 27,000, 50 इंचेस जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 30,000, और एक और मॉडल है 55 इंचेस का जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 34,000। तीनों के तीनों 4K टेलीविजन है, बस साइज का फर्क है, इसी वजह से प्राइस में डिफरेंस है। और इन टेलीविजन को जो चीज खास बनाती है, वहां पर एक टेक्नोलॉजी निकल करके आती है जिसका नाम रखा गया है पिक्सेलियम ग्लास टेक्नोलॉजी। इसमें होता यह है कि एक पिक्सेलियम ग्लास नाम की चीज है जिसे डिस्प्ले पर लगाया जाता है। इसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस जो है 40% बढ़ जाती है, और इस ब्राइटनेस बढ़ने के साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि आपके बिजली के बिल में इजाफा होने वाला है तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बिल्कुल भी एनहांस नहीं होता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है, और आपको ब्राइटनेस में 500 निट्स तक की जो है एनहांसनेस देखने को मिल जाती है। तो इसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और यहां पर इन्हें कंपेयर किया गया था एलजी और सैमसंग के साथ, जिनको ये कंप्लीटली बीट कर देती है। जी हाँ दोस्तों, पिक्चर क्वालिटी में एलजी और सैमसंग बिल्कुल भी टिक नहीं पाती। यहां पर कुछ खास तरह के मीटर का इस्तेमाल करके टेस्ट किया गया है, जिसमें व्यू सिनेमा टीवी काफी एक्सपीरियंस काफी जो है बेहतर निकल करके आ जाती है। और यहां पर आपको पता है कि रिमोट भी काफी अच्छा है, उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई है। और रिमोट की खासियत यह है कि आपको डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं ओटीटी एप्स के लिए, जैसे कि आपका गूगल प्ले हो गया, उसके साथ साथ ही आपका अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह, जो भी आपके डेडिकेटेड है उनके लिए डेडिकेटेड बटन दे दी जाती है डेडिकेटेड एप्स के लिए, जिसमें आप कॉन्टेंट स्ट्रीम कर सकते हैं HD में, 4K में, क्योंकि 4K टीवी है तो ऑफकोर्स सी बात है। और अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस के लिए 1.5 GB का रैम और 8 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। क्वाड कोर प्रोसेसर है तो परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही सॉफ्टवेयर की बात करें तो लेटेस्ट एंड्रॉइड 9 पाए देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, टीवीज के लिए अब तक एंड्रॉइड 10 नहीं आया, तो यही लेटेस्ट है और अपडेटेड वर्जन देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने बताया, तीन मॉडल्स हैं, 27,000, 30,000 और 35,000, सॉरी 34,000 इनकी प्राइसिंग रखी गई है, 43, 50 और 55 इंचेस के लिए, जिन्हें आप खरीद सकते हैं अमेज़न से या फिर व्यू की वेबसाइट से, और आपको कुछ ऑफलाइन स्टोर्स में भी देखने को मिल जाएगी, तो वहां से भी खरीद सकते हैं 18 जनवरी से। तो जी हां दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं, आप तलाश कर रहे हैं ऐसे टेलीविजन की जो आपको सिनेमा एक्सपीरियंस दे, तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है। आपको जो है अब थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है, हर हफ्ते आप अपने घर में ही एंजॉय कर सकते हैं, सारा का सारा प्रीमियम कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं 4K रेजोल्यूशन के साथ, अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी, अमेजिंग साउंड क्वालिटी के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम इसको बिल्कुल भी एग्जैगरेट नहीं कर रहे हैं, जो सच है वो सच है, हमने जैसा एक्सपीरियंस किया आपको बता रहे हैं। और आपको सारे के सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, आपको सारे HDMI पोर्ट्स, USB पोर्ट्स, सब कुछ देखने को मिल जाता है, इंटरनेट कनेक्शन, LAN पोर्ट, सब कुछ है वैसा का वैसा ही पुराने टेलीविजन की तरह। यहाँ पर आपको जो एनहेंसनेस देखने को मिलती है वो है इसमें 4K रेजोल्यूशन, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी इंप्रूव कर दी गई है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।